नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टर्स, एसिड हैलाइड पे मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा और इसके बाद क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ठीक है। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर तो जानते हो, अरे जानते हो कि नहीं? सो ये होते हैं एस्टर, सी डबल बॉन्ड हो ओ आर, दे आर ऑल्सो गुड क्या लिविंग ग्रुप। लेकिन एस्टर में कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छे से पढ़नी है, और उसमें पहली रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन? क्लेजन कंडेंसेशन, नाम तो सुना ही होगा। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या काम में लेते हैं? ये एस्टर है, ऐसा एस्टर जिसके पास क्या हो, अल्फा एच हो, वो काम में लेते हैं। और यहां क्या करते हैं, जो लीविंग ग्रुप है बच्चों उसी को बेस बना देते हैं, उसी को बेस बना देते हैं, आर ओ माइनस एन ए प्लस। और क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट एसिड को सॉल्वेंट ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि बेस ये है और एसिड, ऐसा क्यों? वही बात जो पहले पढ़ी थी कि आर ओ माइनस का मन किया हमको रिएक्शन करना है, कर ले भैया, ये एच निकाल लेगा, तो ये गैर जिम्मेदार निकला, इसने तो अपना बेस 10 खो ही दिया, तो जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? आर ओ माइनस। समझ में आया? कोई डाउट? ओके, ये हुई बात। अब ये बेस यही क्यों लेते हैं? क्योंकि हम ऐसे नहीं नहीं कराना चाहते, पता चला ये इस पर जाके ऐड हुआ तो यही बाहर चला जाएगा, तो वो भी बेकार हो जाएगी। समझ में आया? क्यों? क्लियर है? ये क्यों लेते हैं कॉम्बिनेशन, समझ में आया? ये लीविंग ग्रुप को बेस क्यों लेते हैं, समझ में आया? कि कभी इसका मन किया हम यहां रिएक्शन करें तो वही वापस निकल जाएगा। तो अब इसके पास बच्चों एक ही रास्ता बचा, और यही है इसका आखिरी रास्ता, कि अल्फा कार्बन से एच निकाल ले, अल्फा कार्बन से एच निकाल ले, क्या बना ले बोलो? आर ओ एच। और क्या बना ले बोलो? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये बना ले। और ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या है? इनोलेट बना सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ग्रिगनार्ड की तरह हो गया ये, एल्डोल के जैसा होगा। और क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बताओ? अब आप जानते हो SNAE हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा न्यूक्लियोफाइल बदल चुका है। मैं भी वेट कर रहा था कि एक बार ये पढ़ा दूं तो फिर अच्छे से इसको समझा पाऊंगा मैं, तो इस पर अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, और रिएक्शन कौन सी होगी? SNAE। बोलो हाँ कि ना? ऐसे नहीं होगी, और ऐसे नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, और बाहर क्या हो जाएगा? आर ओ माइनस। समझ में आया? तो ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है, और इससे क्या बनता है? बीटा कीटो एस्टर बनता है। क्या बनता है? बीटा कीटो एस्टर बनता है। क्या बनता है बोलो? बीटा कीटो एस्टर बनता है। बोलो क्लियर है? कंडेंसेशन का मतलब तो जानते ही हो, दो मॉलिक्यूल का जुड़ना, छोटे मॉलिक्यूल का बाहर होना। क्लियर? समझ में आई रिएक्शन? तो अब इसको करो कॉपी, कॉपी करो। मतलब इसमें हर तरीके की चीज पूछी जा सकती है, क्रॉस इंट्रा मॉलिक्यूलर सब पूछा जा सकता है। तो इस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये, ठीक है? तो आप नोट करो क्वेश्चंस और खुद से सॉल्व करो।
ओके करो करें बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन, क्यों? इसमें अल्फा कार्बन अल्फा एच कुछ है ही नहीं, और ये यहां रिएक्शन करे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसमें नो रिएक्शन। ठीक है, हो गया। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन बताओ, हो गया। इसमें क्या होगा? अल्फा कार्बन से एच निकल के एनायन बनेगा पहले। अब बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूं एल्डोल, ठीक है, काफी जानते हो आप, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, ठीक है, और बाहर कर देगा तो ये बना लेता है OMe, यहां आ जाएगा सी डबल बॉन्ड O, तीन कार्बन, MeO माइनस बाहर। बोलो सही है, या स्टेप बाय स्टेप लिखवाना चाहते हो? मुझसे लिखवाना चाहते हो? यस और नो? बन गया सबसे? अब मैं खूब अच्छे से पढ़ा चुका हूं ये टॉपिक, जो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये कुछ अलग टाइप की नई टाइप की रिएक्शन से जो आराम से हो भी रही है हमसे, हो रही है कि नहीं? थर्ड वाले में क्या इंटरमीडिएट बनाया आपने? ये बनेगा। अरे भाई बोलो, यस, सो तो नहीं रहे हो? फिर इस पर क्या होगा बोलो? यहां अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो इस पर क्या बन जाता है? CH3CH C डबल बॉन्ड OPH, और यहां क्या आ जाता है? C डबल बॉन्ड O इथाइल। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबने बना लिया, सही बना लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन। इसमें दो एस्टर है मगर इसके पास अल्फा एच नहीं, इसके पास अल्फा एच है, तो एनायन किससे बनाओगे जिसके पास अल्फा एच है? और अटैक किस पे कराओगे जिस पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है? समझ में आ रहा है? और ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? क्रॉस क्लेजन। क्या कहा जाता है? क्रॉस क्लेजन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एल्डोल वाली जैसी लग रही है, एल्डोल ही लग रहा है, ठीक है, एल्डोल की भाभी है ये, ठीक है, इसको अटैक कराए बाहर हो जाए, तो यहां पर आ जाएगा CH3CH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OET, और ETO माइनस बाहर हो जाएगा। सही पकड़े हैं? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा, बताइए। हो गया, डायरेक्ट लिखो आंसर। पहले एनायन बनेगा, इस पर अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा OPH, यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। बोलो सही कि गलत? सही है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़िस बढ़िस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइस, सिक्स क्वेश्चन। इसमें देखो दो दो एस्टर हैं, तो बच्चों ध्यान रखना ये इंट्रा मॉलिकुलर क्लेजन होगा। क्या होगा? इंट्रा मॉलिकुलर क्लेजन, डिकमैन कंडेंसेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं, लेकिन क्या करें, फिर दिक्कत आती ना अगर नाम कहीं पढ़ लेते तुम लोग तो इसमें देखो ये जो एस्टर है इसके अल्फा कार्बन से एच निकाल लिया, एनायन बना लिया, और ये इस पर अटैक करेगा, ये बाहर हो जाता है, और कितने मेंबर की रिंग बन जाती है? 1 2 3 4 5 6, 6 की बन रही है। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है? 1 2 3 4 5 की बन रही है, यहां देखो 1 2 3 4 5, यस 5 की ही बन रही है। यू गाइज आर रियली अमेजिंग। तो यहां C डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OET,
और बाहर क्या हो जाएगा, इटीओ माइनस, ये बन जाएगा. ऑल गुड. ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन है. डिकमैन कंडेंसेशन भी इसको कहा जाता है. एक दो क्वेश्चन में और कराना चाहता हूं. अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, करें, हटा दूं मिटा दूं इसको. ठीक है, ये पीएसएस ही तो है. और कितना पीएसएस लोगे आप लोग, चलता तो है क्लास के अंदर. जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आता है उस पर कोई कम क्वेश्चन तो नहीं करे हैं आप लोगों ने. नोटबुक कितनी भर गई है ऑर्गेनिक की, दो भर गई. ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन और लिखो, इससे भी थोड़ी भरेगी. छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा और सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा. ठीक है, करो सिंपल सिंपल, करें स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहां से बनेगा अल्फा कार्बन से एच प्लस जाएगा एनायन, इस पर अटैक, ये बाहर, कितने मेंबर की रिंग, पांच की, समझ गए. और पांच की रिंग से ये बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री. ठीक है, ये ए हो गया. अब इसका अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इस पर होगा, लिविंग ग्रुप है. दिक्कत क्या है इसमें, वही मोर से लेस, लेस से मोर. और यहां क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बन जाता है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बोलो सी एच थ्री ओ एच. उसके बाद क्या कर रहे हैं, हीटिंग. तो सीओ टू का देखो, जानते हो ना, बीटा बेटा कीटो, तो CO2 का लॉस हो जाएगा और साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा. बोलो क्लियर है, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. ये समझ में आ गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, सेम ही है, बस बेंजीन है उसमें. C से D में, हाँ ये उल्टा साइन है, डी से सी है, डी से सी है. करूं स्टार्ट, करूं बताइए, हो गया. सबसे पहले बच्चों एनायन यहां बनाना, रेजोनेंस टेबल इधर भी इधर भी, फिर इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देना, समझ गए. इंट्रामोलिकुलर क्लेजन, क्या आंसर बोलो, या आंसर कितना मेंबर का रिंग है, सिक्स मेंबर का. क्या बनता है यहां पर, एक दो, एक दो सी डबल बॉन्ड हो और यहां पर सी डबल बॉन्ड हो ओ ई टी. ये बच्चों आंसर आना चाहिए, ये ए, इसमें कोई डाउट. फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एस्टर से एसिड बन जाता है और ये बन जाता है बी. इसमें कोई डाउट, ठीक है. और उसके बाद में हीटिंग करते हैं तो CO2 निकल जाएगा, बीटा कीटो बन गया है तो CO2 बाहर हो जाता है, ये बन जाता है. बोलो सही कि गलत. अब ये किसी हाइड्रोकार्बन से बन रहा है तो वो ये हाइड्रोकार्बन होगा जिससे ओजोनोलिसिस से ये बन जाएगा. दैट्स ऑल. आगे समझ में, बीच में कटिंग होगी. और वैसे भी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हो, ऑप्शन सामने होते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है. आगे समझ में, पक्का इजी है,
बड़े आगे तुमसे हुआ कि नहीं 50% तुम्हारे राइट में। हाँ फर्स्ट वाला हुआ था, सेकंड वाला भी वही था, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब एक जैसा क्वेश्चन क्या पूछना यार, तो मैं थोड़ा चेंज कर दिया मैंने उसमें। अब बड़े आगे क्लेजन ऑल क्लियर। हाँ नीचे क्या, ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना एनायन, इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, इसलिए मैंने वो बनाया। ये भी बना सकते हो। अब बड़े आगे वो मेजर है। अब ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन में मेजर ही लिखना चाहिए, जब तक पूछा ना जाए कि माइनर बताओ मेजर ही लिखना चाहिए। ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन ये लास्ट नेम रिएक्शन है।